दोस्तों, ये है रानी का बहुत ही प्यारा और सुंदर सा घर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रानी ने अपने बेटे हारिस की शादी करवा दी थी। रानी के घर में बहू आ चुकी है। आज की इस वीडियो में देखते हैं कि रानी और उसकी बहू सारा क्या कर रहे हैं। सारा चूल्हे पर बैठी नाश्ता बना रही है और रानी अपने हाथों में झाड़ू लेकर खड़ी हुई है। सोच रही है कि वो अभी झाड़ू लगा दे। सारा बेटा जब तक नाश्ता बना रही है, मैं जब तक जल्दी से झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद ही नाश्ता करूंगी। और ये कहकर इतने में रानी झाड़ू लगाना शुरू कर देती है। पीछे से अरबाज की आवाज आती है, रानी रानी जल्दी से नाश्ता दो, मुझे बहुत देर हो रही है। हारिस बेटा भी अभी तक सो रहा है, मैं हारिस को उठा देता हूँ। हारिस हारिस बेटा उठो, बहुत देर हो चुकी है, सुबह हो गई है। हाँ अबू उठ रहा हूँ, सारी रात पानी पर था, सारी रात मैं सोया नहीं हूँ, मेरी नींद पूरी नहीं हुई। हारिस बेटा सुबह तक सोना ठीक नहीं होता, आप उठ जाओ, जल्दी से मुंह हाथ धो के आओ, नाश्ता करते हैं। और ये कहकर हारिस सीधा नलके की तरफ जाता है मुंह धोने के लिए। अरे खुदाया, ये क्या हो गया, हमारा नलका पता नहीं किसी ने तोड़ दिया है, अभी मैं मुंह कहाँ से धोऊंगा। अब्बू जल्दी आए, अब्बू हमारा नलका पता नहीं किसी ने तोड़ दिया है। अरे ये हारिस बेटा क्यों चिल्ला रहा है, मैं जाके देखूं क्यों हारिस की शोर आ रही है, सुबह सुबह हारिस ने शोर मचाया हुआ है। अरे अब हम पानी कहाँ से भरेंगे, ये क्या हो गया। हाँ अब्बू, रात को कुत्ते बहुत भौंक रहे थे, सारा बता रही थी। अच्छा हारिस बेटा आप जाओ नाश्ता करो, मैं जब तक नलके का सामान लेकर आता हूँ और नलका बनाता हूँ। हारिस के अब्बू आप पहले बाहर ना जाएं, पहले नाश्ता करके जाएं, नाश्ता बन चुका है, मैं नाश्ता लगा रही हूँ। ताई अम्मी अब्बू और हारिस को बिठाएं, नाश्ता बन चुका है, नाश्ता साथ मिलकर करते हैं, उसके बाद अब्बू बाहर जाए नलके का सामान लेने। नहीं बेटा आप लोग नाश्ता कर लेना, मैं जाता हूँ नलके का सामान लेके आता हूँ, ऐसे नहीं जुम्मे का दिन है और दुकानें सारी बंद हो जाएंगी। और ये कहकर हारिस और अरबाज जाते हैं अपने नलके के लिए सामान लेने। तो आपने स्टोरी देखी, आगे स्टोरी में क्या होने वाला है वो जानने के लिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल